अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ नियाज़ अहमद एंड आई एम हेयर टू टीच यू मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 3x+3 इंटू x-1 इंटू x+2 सेम है जैसे हमने पहले वाले सवाल किए हैं, तो उसी तरह से हम कर लेते हैं। a ओवर हो जाएगा x-1 प्लस बी हो x+2, तो कोई चेंजिंग खास नहीं है इसके अंदर, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 3x+3 रह जाएगा और यहाँ पे a है, x-1 कैंसिल हो जाएगा और x+2 रह जाएगा, जबकि b के अंदर x+2 कैंसिल हो जाएगा और x-1 रह जाएगा। तो यहाँ पे हम ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। उसके बाद हम इसको पुटिंग द वैल्यू कर देंगे, ये x-1 इज इक्वल टू 0 ये लेट करेंगे हम, और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1, ये पुटिंग द वैल्यू यहाँ पे कर देंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम x के पुट कर देंगे, ये 3 × 1 + 3 हो जाएगा इज इक्वल टू a इंटू 1 + 2 + b इंटू 1 - 1, ये 0 हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 3 + 3 इज इक्वल टू 3a, तो 6 है, 6 इज इक्वल टू 3 ये रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास 2, a इज इक्वल टू हमारे पास 2 रह जाएगा इस तरह से। उसके बाद दूसरा पुट करेंगे, वैल्यूज दूसरी ले लेंगे कि लेट x+2 जो है ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा दूसरी साइड पे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2, पुटिंग द वैल्यू दोबारा फिर लिखेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारी इक्वेशन ये है ये वाली, तो यहाँ से -2 पुट करना है, 3 - 2 + 3 इज इक्वल टू a इंटू -2 + 2 + b इंटू -2 - 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 + 3, यहाँ ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये -3b हो जाएगा इस तरह से, ये माइनस का 3, ये -3b ओवर डिवाइडेड बाय -3 / -3, 1 के ऊपर कैंसिल, 1 के ऊपर कैंसिल, बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इस तरह से हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। ए को दे देंगे कितना 2, ये 2 हो जाएगा, 2 ओवर x-1 प्लस बी को दे देंगे हम 1 ओवर x+2, इस तरह से ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 ये भी सेम है, ये बनी हुई है, इसके अब हम इसको पार्शल दे देंगे, a x-4 + b ओवर x-3, डिवाइड कर देंगे, ये 7x-25 इज इक्वल टू a इंटू x-3 + b इंटू x-4, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, वैल्यूज पुट कर देंगे, पहले निकालेंगे वैल्यू, लेट x-4 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा हमारा 4 के बराबर, 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 4 के बराबर हो गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यहाँ पे 7 × 4 - 25 इज इक्वल टू a इंटू 4 - 3 + b इंटू 4 - 4, तो ये 28 - 25 इज इक्वल टू, ये 1 बचेगा, 1 a नहीं लिखते, सिर्फ a ही लिख देते हैं, और ये 0 हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये a हमारे पास सिंपल आ गया 3 के, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई a इज इक्वल टू 3 ये। उसके बाद लेट कर लेंगे दूसरी x-3 को, x-3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये क्या x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 उस साइड पे चेक, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, x को अलहदा अकेला करना है, अकेला कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी इज इक्वल टू 3, तो इसके अंदर अभी 3 पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन जो हमारी ये बनी हुई है, 7 × 3 - 25 इज इक्वल टू a इंटू, ये देखिएगा ये हमारे पास इक्वेशन है, ये 7x-25 इज इक्वल टू a इंटू 3 - 3 +
बी इंटू थ्री माइनस फोर, ये थ्री माइनस फोर, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस बी। इस तरह से ये माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू फोर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास बी की वैल्यू निकल आई। तो अभी पार्शल कर देते हैं इसको, एक ही जगह लिख देते हैं जो वैल्यू निकली है थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री ओवर एक्स माइनस फोर प्लस बी की जगह फोर, फोर ओवर एक्स माइनस थ्री, तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, अगले लेक्चर के लिए अगले दो सवालों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।